है गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो इस वीडियो पे हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले तो इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने सेकंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देगा क्वांटम मैकेनिक्स के भी हमने जो बी एस फिफ्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए थे अब हम यहाँ पर ईयरली मोड के देख रहे हैं यहाँ पर तो ईयरली मोड में भी जो आपके फिफ्थ सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वहीं सेम आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें भी है लेकिन कुछ आपके ऐसे और टॉपिक्स हैं जो आपके ईयरली मोड में एक्स्ट्रा आपसे पूछे जा सकते हैं तो उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे ठीक है तो टोटल तो आपके क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मिला करके टोटल आपके ट्वेंटी क्वेश्चन है जो इस वीडियो पर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पर हम, नेक्स हम यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स और आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है नेक्स्ट तीसरा पेपर वो हम यहाँ पर अगली वीडियो पर देखने वाले हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये आपका फर्स्ट यूनिट ऑरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी देखी हुई है तो वीडियोस आप देख सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर लिखे हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वो हमने सबकी वीडियोज़ देखी है तो प्ले में जाके आप बाकी वीडियोज़ वहाँ से विजिट कर सकते हो ठीक है नोट्स भी आपको मिल जाएंगे सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नोट्स और आपके क्वांटम मैकेनिक्स के नोट्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट्स प्रीवियस ईयर पेपर Uh, वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा ठीक है दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डी ब्रोगली मैटर वेव्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज आल्सो डी ब्रोगली मैटर वेव्स की जितनी भी थ्योरी है जो हमने डिस्कस कर रखी है वो सब आपको लिखनी है फिर आप इसमें शो कर सकते हो अब इसमें लिखा है कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो मतलब इसमें आप लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी वाला जो आ, रिलेशन होता है वो आप प्रूफ कर सकते हो इसमें फिर कैनेटिक एनर्जी वाला जो रहता है पी स्कर अपॉइंट टू एम वाला फिर आपका जो अगर किसी पोटेंशियल से आपका एसेलीट कर रहा है कोई चार्ज आपका एसिलेट कर रहा है किसी पोटेंशियल से तो उसका रिलेशन क्या रहता है तो ये दो तीन आपके इसमें रिलेशन होते हैं दो तीन कुछ आपकी एप्लीकेशंस होती है डी ब्रोगली की वो आप यहाँ पर बता सकते हो प्रॉपर्टीज़ में ठीक है फिर क्या लिखा है यूजिंग हीजनबर्ग प्रिंसिपल प्रूव दैट इन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इन द न्यूक्लियस तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इसमें आपका हिजनबर्ग अनसर्टिनेटिव प्रिंसिपल नहीं पूछा गया है पूछा क्या गया है हीजनबर्ग प्रिंसिपल का यूज़ करके आपको प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रॉन आपका एक न्यूक्लियस में डिसाइड आपका नहीं कर सकता हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अलग से भी आपका इंपॉर्टेंट है लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके इसमें बन सकते हैं तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन पर आपका हीजन प्रिंसिपल के बारे में नहीं पूछा है उसका यूज़ करके आपको कुछ और चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी है फिफ्थ क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेन सिंगल स्लेट एक्सपेरिमेंट विथ डायग्राम सिंगल स्लेट एक्सपेरिमेंट को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है डायग्राम के थ्रू शो करके सिक्स uh, क्वेश्चन ये आपसे पूछा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको एस के नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है डेड यूज गलेियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर डिफरेंट केस केसेस लाइन इन अ सिंगल डायरेक्शन इन रैंडम डायरेक्शन ये हमने यहाँ पर दो डिस्कस किए थे एस और एस डेस आपके फ्रेम रहते हैं एस डेस आपका मूव कर रहा है एस आपका कांस्टेंट है जब आपका एक सिंगल एक्स डायरेक्शन पे मूव करेगा केस वन आपका ये था और जब आपका जो एस डेस फ्रेम है वो आपका किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकता है एक्स वाई जेड तब क्या आपका रिलेशन बनता है तब आपकी क्या इक्वेशन मंथी है ट्रांसफॉर्मेशन वो हमने डिस्कस किया हुआ है एक्स इक्वल्स टू वी टी वाई इक्व टू वाई डैस देट इक्वल्स टू जेड डैस फिर वेलाउस ट्रांसफॉर्मेशन एसिलेटेड एसिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन तो ये सब हमने नोट्स uh, में वहाँ पर देखा हुआ है ठीक है फिर क्या है सेवन क्वेश्चन डिस्कस वन डायमेंशनल क्वांटम ऑस्किलेटर एट्थ क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है अगेन एस टी आर से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्वेश्चन बोला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉरेंस फिट फिट साल्ट्रेक्शन या आपका लेंथ कॉन्ट्रेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया ऑल्सो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट ठीक है तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है लेंथ कॉन्ट्रेक्शन से बहुत सिंपल इसका डेरिवेशन है ये भी हमने नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है तो वो भी आप देख सकते हो नाइन्थ क्वेश्चन है शो देट एस वेरी लो स्पीड्स रिलेटिविस्टिक कनाइटिक एनर्जी कन्वर्ट्स टू कनाइटिक एनर्जी इन नॉन रेलिटिविस्टिक केस टेंथ क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर वैक्टर ये भी आपका एस टी आर से क्वेश्चन पूछा गया इंपॉर्टेंट है इसमें आप मोमेंटम वक्टर का एग्जाम्पल शो कर सकते हो प्रॉपर इसमें आपका मोमेंटम एक्टर का पूरा डेिवेशन है उसको आपको देखना है वो इंपॉर्टेंट है वो भी हमें नोट्स में डिस्कस कर रखा है पहले तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फोर वैक्टर का जो भी थ्योरी है चार एक्टर्स कौन से होते हैं स्पेस और टाइम वाले एक्स वाई जेड और टाइम वाला कोऑर्डिनेट हो गया ठीक है फिर उस पर आपका लॉरेंस से हम क्या लिख लिखते हो उसको सी डी टी करके आ, फिर आपका यहाँ पर मोमेंट ऑफ का जो पूरा डेरिवेशन है उसमें आपके चार एक्टर्स चार आ, जो आपके कोऑर्डिनेट्स आते हैं फिर उसमें आपका पी एक्स पी वाई पी जेड और एक आपका एनर्जी वाला होता है जो आप ईक्स टू एम सी स्क्वायर से निकालते हो तो ये सब चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ फोर एक्टर के अंदर आती है क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रखा है तो इंपॉर्टेंट है ठीक है इलेवेंथ क्वेश्चन है एक्सप्लेन फोटो इलेक्टिव इफेक्ट विद आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन तो ये आपका लॉन्ग भी बन सकता है शॉर्ट में भी, भी आ सकता है फोटो इलेक्टिव इफेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना है आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन मतलब कि आपको जो आइंस्टीन इक्वेशन है कंप्लीट आपको उसमें डिटेल में बताना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये इलेवंथ वाला ये आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन पे लॉन्ग में आया था ट्वेंटी मार्क्स पे तो आपका यहाँ पर आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन भी एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है क्योंकि इसमें आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा फोटो इलेक्ट्री इफेक्ट स्टार्टिंग से लेकर आ, वो आपका जो पूरा जो ट्यूब सब कुछ आपका रहता है फिर आपके इफेक्ट ऑफ फ्रीकवेंसी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फिर आपका टाइम लैग वगैरह और लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट इफेक्ट फिर आपको उसके बाद जाओगे आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन की जो इक्वेशंस होती है कैसे आप प्रूफ करते हो उसको वर्क फंक्शन वगैरह कनेक्टिव एनर्जी से रिलेटेड जो भी आपका रहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल वो सब आपको यहाँ पर डिटेल पर डिस्कस करना है इसमें ठीक है ट्वेल्थ वाला क्या है ये हमने वीडियोस देखी है सब आपको क्वांटम मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जितने भी वीडियोस हम यहाँ पर जितने भी हम टॉपिक्स यहाँ पर देख रहे हैं ट्वेल्थ uh, क्वेश्चन है डिस्कस द डेविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट टेमोस्ट्रेट द एक्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव्स तो डेविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट भी हमने किया हुआ है और भी एक्सपेरिमेंट है टेलर्स एक्सपेरिमेंट है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है चार पाँच एक्सपेरिमेंट है लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डेविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो आपको अच्छे से देखना है तो इसमें पूछा है आपको डायविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करना है टू डेमोस्ट्रेट द एग्जिटेंस ऑफ मैटर फेज तो बेसिकली आपका डाइविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट बताता है क्या ये आपका जो डी ब्रोगली की जो आपके वो लेमडा इक्वस्टू एच अपन वी के जो रिलेशन था उनको यहाँ पर प्रूव करता है ठीक है दो वैल्यूज आपकी निकलती है एक आपकी जो लेमडा जो आपके डी ब्रोगली से जो आपकी वेवलैंग आ रही है और एक आपकी निकलेगी डाइविशन जर्मर से दोनों की जो आपकी वेवलेंथ है दोनों अगर आपकी सेम होती है तो आपका यहाँ पर ये जो आ, ये अब आप, आपका जो ये डीम लोकली मैटर वेव्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पर ट्रू रह बैठता है तो उस तरीके से आपका पूरा प्रूफ होता है ठीक है तो डिस्कस हमने कर रखा वीडियो आप देख सकते हो थर्टीन क्वेश्चन है डिराइव टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉनडेंजर वेव इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स पे लॉन्ग में आने के इनके आसार आपके बहुत रहते हैं टाइम डिपेंडेंट भी और टाइम इंडिपेंडेंट भी दोनों आपके इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये आपका जो थर्टीन क्वेश्चन है स्क्रॉनडेंजर का इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है टाइम डिपेंडेंट की इक्वेशन का जो आपका प्रूफ रहता है डेरीवेशन और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो रहती है स्क्रॉनडेंजर की उसका डेरीवेशन दोनों हमने डिटेल पे डिस्कस कर रखे और आपको देख के जाने बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स पे ठीक है शॉर्ट नोट ऑन लीनियर ऑपरेटर्स एंड हरमिशन ऑपरेटर डिफरेंट टाइप्स ऑपरेटर होते हैं लीनियर ऑपरेटर हरमिशन ऑपरेटर पैरिटी ऑपरेटर उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है हरमिशन ऑपरेटर और इसमें आपका पूछा गया है लीनियर ऑपरेटर और हमिशन ऑपरेटर के बीच में डिफरेंस लीनियर ऑपरेटर बहुत छोटा सा है कुछ नहीं है उसमें लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हरमिशन ऑपरेटर है ठीक है हरमिशन ऑपरेटर आपका अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ हरमिशन ऑपरेटर प्रॉपर्टीज़ होगी हरमिशन ऑपरेटर की ठीक है हरमिशन ऑपरेटर किस मोमेंटम ऑपरेटर में किस तरीके से यूज़ करते हो या दूसरे आपके जो एनर्जी ऑपरेटर्स है उसमें कैसे आप यूज़ करते हो तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हरमिशन में से तो हमिशन ऑपरेटर का जो पूरा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है फिफ्टीन क्वेश्चन देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की डेफिनेशन और मोमेंटम ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर तो ये चार टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मोमेंटम ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर तो चारों टॉपिक्स आपको अच्छे से देख के जाने एनर्जी ऑपरेटर में एक तो आपका टोटल एनर्जी ऑपरेटर हो गया फिर आपका दूसरा आता है कनाइटिक एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर इसका डेरिवेशन भी हमने देखा हुआ है साथ में इसमें आपका वेलोसिटी ऑपरेटर भी आता है जस्ट आफ्टर मोमेंटम ऑपरेटर हमने इसमें आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन देखा था फिर इसमें मोमेंटम ऑपरेटर हमने डिस्कस किया था उसके बाद हमने वेलोसिटी ऑपरेटर देखा है उसके बाद हमने टोटल एनर्जी ऑपरेटर और आपका जो कनाइटिक एनर्जी ऑपरेटर है वो हमने डिस्कस किया हुआ है ठीक है तो सभी वीडियोज आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट सभी वीडियोस मैंने बना रखी है और जिस जिसकी वीडियोस नहीं बन पाई है उसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे नोट्स सभी के प्रोवाइड कर रखे लेकिन जो टॉपिक्स आप हम या उसमें वीडियोस में मैं नहीं बता पाया तो मैंने आपके नोट्स पे वहाँ पर इंक्लूड कर रखी है ठीक तो है तो सिक्सटीन क्वेश्चन है प्रूफ दैट ये आपका ग्रुप वेलोसिटी फेज वेला से क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट आपका यहां पर जो डेरीवेशन होता है बहुत सारे डेरिवेशन है चार पांच आपके डेरीवेशन है ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के तो उसमें से आपका एक डेरिवेशन पूछा गया बोला कि प्रूफ दैट वी पी इंटू वी जीवल टू सी स्क्वायर वी पी होता है आपका वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी और वी जी होता है आपका ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल प्रूफ करना है कि आपके जो स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है इसके इक्वल आपका ये जो प्रोडक्ट होता है वी पी और वी जी का वो रहता है ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है ठीक है इंपॉर्टेंट है चारों के चार हमने डेरीवेशन प्रूफ इनके देखे हुए बहुत सिंपल है नोट्स अगर आप लोगे तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सिंपल डेरिवेशन है इनका एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा है वीडियोस पे तो आप देख सकते हो इज बहुत बहुत ही ईजी आपके चारों के चार डेरिवेशन बहुत ईजी आपके इंटर रिलेटेड है अगर आपको एक दो के आपको डेरिवेशन अच्छे से पता चल गए तो आप बाकी तीसरे चौथे का जो डेरीवेशन है इसमें आपका ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी का वो भी आप इजीली कर पाओगे सेवनटीन क्वेश्चन ये भी आपका ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से पूछा गया है बोला है कि प्रूफ दैट इन अ नॉन डिस्पर्जिव मीडियम फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी आर इक्वल नॉन डिस्पर्सिव मीडियम पे जो आपकी फेज वेलोसिटी होती है और ग्रुप वेलोसिटी होती है दोनों आपकी इक्वल होती है ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है अभी आपका पूछा गया है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम सिमिलर तरीके से आपका डिस्पर्सिव मीडियम के लिए भी पूछा जा सकता है डिस्पर्सिव मीडियम पर आपका कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड होता है वो हमने वीडियो पे देखा कि कौन सा आपका फैक्टर ऐड होता है उसमें लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम पे तो वो वो जो फैक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आपका जीरो के इक्वल हो जाता है ठीक है कुछ आपका न्यूमिनेटर रैशनल फॉर्म पे आपका कुछ फैक्टर रहता है वो आपका नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के केस में वो आपका जीरो हो जाता है ये हमने वीडियोस पे डिटेल पर डिस्कस किया हुआ है तो अगर आपका वो फैक्टर इंक्लूडेड है तो वो आपका डिस्पर्सिव मीडियम के लिए वो डेरिवेशन होगा अगर आपका फैक्टर हम जीरो मानते हैं अगर वो आपका जीरो के इक्वल है तो वो आपका नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए वो डेरिवेशन है तो उस केस में आपका जो फेज वेलोसिटी और जो ग्रुप वेलोसिटी है वी पी और वी जी वो आपके दोनों इक्वल होते हैं ठीक है एटीन क्वेश्चन देखो क्या है? कॉम्प्टस कैटरिंग अगेन इंपॉर्टेंट है इस बार आपका फिफ्थ सेमेस्टर पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था लेकिन इंपॉर्टेंट है फिर भी कॉम्पटन इफेक्ट कॉमटेंस कैटरिंग आपका कॉम्प्टेंस शिफ्ट फ्रीक्वेंसी पे जो आपका शिफ्ट आता है वेवलेंथ पर जो शिफ्ट आता है उसी को हम कॉम्प्टन शिफ्ट कहते हैं तो इनका पूरा आपका थ्योरी विथ डेरीवेशन सब हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रखा है आपको वीडियोस देखनी है दो तीन वीडियोस में हमने कंप्लीट कर रखा है कॉम्टन इफेक्ट आप बीस बीस मिनट की आपकी तो वीडियो होगी आप वो देख सकते हो बहुत इजीली तरीके से वहाँ पर मैं आपको बता रखा है तो आपको हेल्प मिल जाएगी कॉम्टन स्कैटरिंग इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है इस बार नहीं आया था लेकिन चांसेस है कि आ सकता है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट का वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी का ठीक है तो क्या पूछा है वट इज़ कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रूव दैट द कॉम्पटन शिफ्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन तो अलग अलग तरीके से आपकी कॉम्पटन शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे देखो पहले तो आपसे पूछा कि कॉम्पटन स्कैटरिंग आपका क्या होता है फिर आपको प्रूव करना है कि जो आपका कॉम्पटन शिफ्ट है वो आपका इंडिपेंडेंट है वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ये आप तभी प्रूव कर पाओगे जब आपका कॉम्पटन शिफ्ट का आपका पूरा डेरीवेशन पता होगा बेसिकली ये जो आपसे प्रूफ पूछा गया है ये आपसे कॉम्पटन शिफ्ट मतलब जो चेंज इन वेव लेंथ है Uh, जो आपका स्कैटरिंग के बाद जो वेव है और जो इंसिडेंट वेव है दोनों में जो चेंज आता है उसी को हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं तो दोनों में जो आपका चेंज है वो उसका जो डेरीवेशन है जो आपके कॉज के टर्म्स में फाइव के टर्म्स में रहता है तो वो वो डेरीवेशन आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए ग्यारह बारह तेरह इक्वेशन उसमें बनती है आपकी बहुत सारी इक्वेशन बनती है चार पाँच बार आ प्रटिस करोगे ईजिली आपको डेरीवेशन पता चल जाएगा बहुत आसान डेरीवेशन है बस इक्वेशन फॉर्म होती है उसमें उसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये दोनों यूज़ करने होते इक्वेशन यहाँ से वहाँ पुट करनी होती है बस आपका पूरा वहाँ पर डेरीवेशन ईजिली हो जाता है ठीक है तो उसमें आपको जब आप पूरा डेरीवेशन करोगे तभी आपका ये जो दूसरा पार्ट है ये आपका प्रूफ होगा वहाँ पर उसमें आप देखोगे कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है मतलब जो चेंज इन वेव है, वो आपका इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ में डिपेंड नहीं करता है ठीक right है 19th क्वेश्चन देखो राइट बेसिक अजम्पशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सिक्स बेसिक अजम्पशंस है कई-कई बुक्स में आपको सात भी दिए होंगे कई-कई में पांच भी दिए होंगे तो ये जो आपके पोस्टुलेट्स है क्वांटम मैकेनिक्स के ये भी इंपॉर्टेंट है मतलब बेसिकली इसमें क्वांटम मैकेनिक पॉस्टलेट्स में है क्या इसमें आपको जैसे जो भी आपने पहली चीज़ पढ़ी है जैसे आपने हरमिशन ऑपरेटर पढ़ा हुआ है आपने स्क्रॉन्डेंजर टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन पढ़ी हुई है आपने आइगन वैल्यूज़ पढ़ा हुआ है आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज पढ़ी हुई है तो ये आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हुई है इसका पूरा सम सम करके इसका पूरा सबमिशन करके आपका एक पॉस्टलेट्स फॉर्म पर इसको बना दिया गया है मतलब पहला आपका जैसा आइगन वैल्यू के फॉर्म पर होगा कुछ फिर आपका स्क्रॉन्डिजर इक्वेशन होगा फिर आपका ये ये जो आपका हरमिशन ऑपरेटर है ये होगा फिर मोमेंटम ऑपरेटर तो इस तरीके से आपके ये पाँच छः आपके जो पॉस्टुलेट्स है क्वांटम मैकेनिक्स के इसको फॉर्म कर रखे तो कुछ नई चीज़ नहीं है पॉस्टोलेट्स में जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है ये हरमिशन ऑपरेटर स्क्रांडिजर इक्वेशन आइगन वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये सब जो भी चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है उसको बस आपका एक एक कन, कन्फाइंड फॉर्म पे उसको बना करके आपके पॉस्टोलेट्स में डाल दिया गया है बस इतना ही आपका आ ये इसके पॉस्टूलेटन के बेसिक एजम्पन्स है ठीक है तो इस तरीके से पूछा जा सकता है बेसिक एजम्पन्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या आपसे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों आपका सेम है ठीक है लास्ट क्वेश्चन देखो शो दैट द मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स इज हरमिशन हमें प्रूव करना है कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है यह आपका हरमिशन ऑपरेटर है और ये आपका हरमिशन ऑपरेटर के प्रॉपर्टीज़ में आता है ये मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रखा वहाँ से आप देख सकते हो बहुत सिंपल है बस आपको हरमिशन ऑपरेटर का जो डेफिनेशन होता है जो एक्चुअल मतलब होता है वो आपको समझ में आना चाहिए मोमेंटम ऑपरेटर के लिए किसी के लिए भी आपका प्रूफ हो जाएगा जो भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन पे ठीक है तो ये आपका टोटल था बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे हे हम आपके जो एटॉमिक मॉडल्स है उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और इसके जो पी का लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगा वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो सो होप यू लाइक दिस वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो